हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ईओटी क्रेन का वायरलेस रिमोट, ये जो होती है, ये इसका मशीन है, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इस बारे में हम आपको आज बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं वायर डायग्राम, तो सेम ऐसे ही हमें कनेक्शन करना होता है, तो हम आपको इसमें समझा दे रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा पावर वन, पावर टू, हमारा जो है मेन है एसी और डीसी सप्लाई, तो इसमें ब्लैक और ब्राउन कलर का वायर है। तो आप देख सकते हैं अगर डीसी है तो 65 वोल्ट, एसी है तो 440 वोल्ट। तो अगर हम ईओटी क्रेन पे अगर देते हैं तो एसी ही देते हैं, तो हमें क्या करना है, 440 देना है। तो अब दोस्तों 440 हमें ब्लैक और ब्राउन को दे देनी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन हमारा 440 वोल्ट इसको ऑन करने के लिए दे दिया गया सप्लाई। उसके बाद दोस्तों जैसे हमारी इसमें वायर आती है, एक दो कॉमन आती है, तो वैसे ही इसमें दो कॉमन है सेम टू सेम। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कॉमन है, कॉमन मेन, मेन कॉमन। तो दोस्तों ये हमारी जो कलर है ऑरेंज और रेड है, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी रेड वायर है, ये हमारा 110 वोल्ट पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वाले टर्मिनल पे 110 वोल्ट का लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये हमारी ऑरेंज का जो है, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा जो है एक कॉमन जो मेन है उसके लिए है। अब दोस्तों ये मेन कॉमन जो है हमारा आके सीधे इस मेन कॉन्टेक्टर के साथ ही होल्ड कर देगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे हम वायर वाले रिमोट को अप डाउन, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ को हम कनेक्शन देते हैं, सेम ऐसे ही हमें उसको भी दे देना है। जैसे कि ये वाले वायर वाले रिमोट का ये केबल आप देख रहे हैं हमारा, तो इसमें भी ये देख रहे हैं हमारा कॉमन है, ब्लू वाली कॉमन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू वाली रेड के साथ जोड़ा हुआ है। उसके बाद से आप देख रहे हैं ये जो हमारी येलो कलर का वायर है, ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा येलो कलर का जोड़ा हुआ है, यहाँ जो मेन, जो कॉमन मेन है। उसके बाद दोस्तों इसका तो आप अगर कर लिए हैं कनेक्शन, तो सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है। और उसके बाद हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे अब हमें ये पावर सप्लाई हो गई, अब यहाँ मेन कॉमन हमारा हो गया, अब बचा है सिर्फ अप डाउन, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, तो और री स्टार्ट को हमें कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है यूं ही। उसके बाद हम ले लेते हैं पहले अप का देख रहे हैं आप यहाँ पे येलो, थोड़ा दूर करके हम आपको नज़दीक से दिखा दे रहे हैं, और ये देख रहे हैं अप का येलो, डाउन का ग्रीन, ईस्ट का ब्लू, वेस्ट का पर्पल, साउथ का ग्रे, नॉर्थ का वाइट। तो दोस्तों अब यहाँ हम आपको दिखा दे रहे हैं जो हमारा येलो कलर का वायर होगा, यहाँ से ये आप देख सकते हैं येलो कलर का हमारा वायर ये रहा, तो ये अब हमारा अप में लगा हुआ है। अब देख सकते हैं तीन नंबर, इसमें फिरूल भी डाला हुआ है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं येलो वाले में हमारा तीन नंबर फिरूल डाला हुआ है। तो हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके इसमें डाला हुआ है अप डाउन, उसके बाद से ईस्ट वेस्ट, साउथ नॉर्थ, ऐसे करके हमारा ये वायर है। तो अब दोस्तों हमें यहीं पे जैसे कि ये वाली वायर का कनेक्शन जो हम किए हैं उसी के साथ में हमें इसको भी जोड़ देना, अगर जगह पर्याप्त नहीं है तो। जैसे हम यहाँ पे जोड़ लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे कनेक्टर है, यहाँ नीचे हमारा जो है वायर वाले रिमोट का है और ऊपर वायरलेस वाले रिमोट का, इसी के साथ हमारा लगाया हुआ है। तो अब ऐसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा येलो है, येलो हमारा अब देख रहे हैं यहाँ पे,
येलो क्या है, येलो हमारा अप का है और ग्रीन हमारा डाउन का है। तो उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ग्रीन, ग्रीन हमारा डाउन का है। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ आप देख रहे हैं ब्लू ईस्ट का और पर्पल वेस्ट का। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी ब्लू हो गई, ब्लू वायर हमारी ईस्ट का और पर्पल वायर हमारा वेस्ट का, वेस्ट का। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या बचा, यहाँ पे देख सकते हैं साउथ और नॉर्थ। तो साउथ में हमारा ग्रे है और नॉर्थ में वाइट है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये हमारी जो साउथ है इसमें ग्रे लगा हुआ है और ये हमारी नॉर्थ वाले में जो है वाइट वायर लगा हुआ है। सिंपल बस इतना ही कनेक्शन करना होता है, इसके आगे कुछ नहीं, बहुत ही साधारण है इसका कनेक्शन करना। एक बार आप कनेक्शन करके कोशिश कीजिएगा, अच्छे से वर्क करेगा। आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि जैसे इस वायर वाली रिमोट का आप कनेक्शन करते हैं हूबहू वैसे ही सेम टू सेम आपको इसमें भी करना है। बस अंतर क्या है, इसमें हमें 440 जो यहाँ पे देख रहे हैं एसी डीसी, तो हमें एसी पे 440 वोल्ट सप्लाई इसके ऑन करने के लिए दे देनी है। उसके बाद जो कॉमन है, जैसे कॉमन आप इसका देते हैं, दो पॉइंट कॉमन का देते हैं दोस्त, जैसे एक यहाँ पे दे देते हैं, एक जो पत्ती शॉर्ट होती है उस पर आप कॉमन दे देते हैं। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस यहाँ भी है, एक कॉमन को हमें उसके साथ वाले में दे देनी है, जैसे कि इस वाले के साथ में दे देनी है, और दूसरा जो पत्ती पे शॉर्ट लगा रखते हैं आप यहाँ पे कॉमन, उस वाले पे हमको दूसरा वाला कॉमन दे देना है। तो दोस्तों हमें लग रहा है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अब समझ लिए होंगे और हमें लगता है कनेक्शन आप कर लेंगे। अगर आप कनेक्शन करते हैं, अगर दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, हम आपका पूरा सहयोग ज़रूर करेंगे। थैंक यू।